हेलो, तो आप लोग कैसे हैं? जय माता दी सभी को। और आज है नवरात्रि का 9वां दिन और ये बच्चे आ गए हैं। मैंने बुलाया था इस मुटको को खिलाने के लिए। तो ब्लॉक स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पर पुट्टी का पेस्ट बनाया जा रहा है। तो फिर से आप लोगों का मेरे चैनल पर वेलकम है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये अलमारी है ना, तो ये देखिए इसमें ये प्राइमर कर दिया गया है। और आप लोगों को यानी जैसे जैसे मैं होता जाएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर प्राइमर हो रहा है। घर को सजाते सजाते मेरी हालत कैसी लग रही है? और श्रेया वहाँ पर लेटी हुई है, चाय पिए हो? भैया को भी चाय बना के दी। तो इस क्या है, हमारी जो इस साइड की दीवारें हैं उनमें है सीलन, तो पाइप की व्यवस्था थोड़ी अलग टाइप से करवाएंगे जब जाके ये सब मिटेगा। और इसमें भी हो गया है प्राइमर, एक कोट ऐसे यानी कि हॉल में, और यहाँ पर प्राइमर अभी करवाया है। अब ये सूख जाएगा क्योंकि सूखने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। हॉल का तो पूरा सूख गया है, बट फिर भी हम उसे टाइम देंगे। फ्रंट की दीवार जो बाहर की है वो हो रही है अब। तो आज तो ये प्राइमर प्राइमर में दिन गया, कल कलर होगा। और अभी किचन हमने खाली नहीं किया है, पहले हम ये दो कमरे करेंगे, उसके बाद ही हम किचन में स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये दो कमरे हो जाएं तब जा कर के हम सोचूं कि कल के दिन पूरा ये कवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो क्योंकि नीचे जो थोड़ा बहुत क्या ठीक ही है गिरा हुआ है, इसको भी साफ़ करना होगा, तभी बहुत काम है। तो अभी आप लोगों को ब्लॉग ऐसे ही सफाई वाले आएंगे, डेंटिंग पेंटिंग वाले हमारे घर को। हमारी हालत ख़राब ज़रूर लगेगी बट घर बहुत अच्छा मैं करने वाली हूँ। कोशिश तो पूरी रहेगी कि मैं अच्छा घर यानी पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि जब से बना बिरला वाइट के अलावा कुछ भी नहीं हुआ था। और मैं एक बार तो मेरा ऐसे कुछ लोगों ने मूड ख़राब कर दिया था, इस कारण से मैंने नहीं करवाया था, क्योंकि मैं इतनी टूट गई थी उस समय कि मैंने बोली कुछ नहीं करवाना, ना मैंने कुछ लिया तो इस तरीके से। बट अब जैसी भी हूँ, क्योंकि दूसरों के पीछे मैं अपना मूड ख़राब कर लेती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अच्छा ही करवाऊँ। तो अभी कलर डिसाइड तो श्रेया ने किया है, तो हॉल में उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, बेडरूम में कलर अब देखेंगे थोड़ा फ्री हो जाए। फ्री है भी और नहीं भी, क्योंकि बार बार उठना पड़ रहा है, थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, तो उसके कारण समय नहीं मिल पा रहा है। वरना मैं कलर देख लेती, कलर करीब 2-3 लीटर अभी और चाहिए इस रूम के लिए। प्राइमर हुआ है और उसके बाद सबसे काम जो बिगाड़ रही है ना, तो ये जो सीलन हुई है ना, सीलन के कारण हो रहा है, अदरवाइज ठीक था। और हमारे इधर बाहर से प्लास्टर नहीं हुआ है दीवारों में, तो उसके कारण। और तो अभी कुछ ऐसे ही है, किचन में सिंक में बर्तन है, वीडियो का भी काम करना है, बहुत सारा काम है और पूरा घर फैला हुआ है। ऐसे पुरानी साड़ियों से मैंने ढक करके रखा हुआ है, ज़रूरत की चीज़ें मैंने निकाल ली है क्योंकि मुझे बार बार ढूंढना ना पड़े। और ये गेट यहाँ से खुल गया है, देखो ये अच्छा हो गया ना, तो इतने में ही क्लीन दिख रहा है, साफ दिख रहा है। और फिर हम आते हैं किचन में, तो हमारा किचन थोड़ा सा इस तरीके से ऐसा दिख रहा है, और सिंक में ढेर सारे बर्तन हो गए हैं। और तो मेरे को कुछ इस तरीके से मैं चाय पत्ती इकट्ठी करूँगी। दीदी इधर लेटी हुई है कुछ का कुछ करती रहती है। घड़ी रख के गई थी मैं, घड़ी में छींटे आ गए क्या? मैंने पूरा कोशिश करी है कि यानी सामान में कोई नुकसान ना हो, और मैंने अच्छे से ढक दिया है सामान को। घड़ी बंद हो गई थी, सर डाल दिया है घड़ी में, यहाँ पे घड़ी रखी है, क्योंकि इस रूम का अभी काम हो गया है, तो इसमें अभी कुछ नहीं करना, बाहर जाके देखते हैं क्या चल रहा है।
देख सकते हो क्या है। बाहर हम ये सामान लेके कैसे जाएं समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने बीच में कर दिया है पूरा ये सामान। और जब ये ऊपर सीलिंग वगैरह होगी तो इसमें ही पुरानी साड़ी डाल देंगे, पूरा ये सामान ढक देंगे। तो आज होना नहीं था इसलिए मैंने नहीं ढका। और तो यहाँ पर ये जो कि बताया, तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा? तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर पुट्टी यानी बाहर की दीवार में जो भी क्रैक है तो पुट्टी से सही किया जाएगा। गुड़िया आई है, मैंने बुलाया हुआ है तो उसे बिस्किट लेकर जा रही हूँ मैं। और ये देख सकते हो जहाँ जहाँ क्रैक है वहाँ पर पुट्टी से भर देंगे और फिर उसके बाद घिसाई करके प्राइमर कर देंगे। तो यहाँ पर अभी बाहर की दीवार हो रही है और हमको नहीं पता था कि बारिश हो जाएगी। सच में 2-3 घंटे हो गए और बारिश हो रही है। हालांकि अभी यानी फ्रंट की दीवार इतना ही हुआ है, हमारे आइट साइड कोई भी प्लास्टर नहीं है ऐसा कि दीवार, क्योंकि साइड में भी मैंने प्लास्टर नहीं करवाया हुआ है। तो इसी तरीके से हो रही है। और ये बच्चे आ गए, मैंने ये गुड़िया को छत पर बैठी हुई थी तो मैंने बोला चलो इसको खिलाते हैं, बड़ी प्यारी गुड़िया है ये। तो यहाँ पर मैं उससे बातें कर रही थी और हंसा रही थी, मैंने बोला बिस्किट खा लो तुम। तो बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, ये देखो कितनी है गोल मटोल से, मैंने इसका नाम मुटको रखा हुआ है। और जहाँ से भी आवाज़ लगाते हैं ये पहचान लेती है मुझे, छत से अगर बुलाते हैं। मैं आई हूँ छत पर और मैंने बोला चलो मैं आज आप लोगों को जो सीट्स लगाए हुए थे उसका टूर करवा देते हैं। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और हालत मेरी गंभीर लग रही है, क्या कर सकते हैं, घर की साफ़ सफाई में ऐसा ही है। तो थोड़ा सा शाम को टाइम मिला था तो मैं अपने पेड़ पौधों के पास आ गई चेक करने के लिए। जो मैंने शीट्स लगाए हुए थे वो जर्मिनेट हो चुके हैं, तो मैंने बोला चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। शाम का टाइम है देख सकते हो, और ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं आप लोगों का, कम समय में ही सारा कुछ दिखाऊँगी। जैसा कि मुझसे पूछा गया था कि आप ये किचन, पहले तो ये देखो कितना अच्छे से मैंने ये रॉड लगा दी थी, तो इसमें बेल चढ़ गई है अपराजिता की, और इसमें ही ब्लू ब्लू फूल खिलते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। कुछ अपराजिता के फूल यहाँ पे हैं, ये देखिए इसमें करेला की बेल भी हो गई है, साथ में ये ककड़ी भी लगी हुई है, ये देखिए लास्ट खीरा बचा हुआ है ये। उसके बाद ये देखो पहाड़ी में भी इतने यानी अपराजिता की बेल फैली हुई है जो कि इस तरीके से फूल लगे हुए हैं, बाकी तो जंगली हैं। और यहाँ पर तोरई का बेल है, सेमी का बेल है, तो ये देख सकते हो छोटा सा खीरा ये लगा हुआ है। और ये देखो ये लगी हुई तोरई, और साथ में इसी की ये जा रही है सेम, सेमी बोलते हैं, तो ये पत्ते उसी के दिख रहे हैं। पता नहीं कब ये फल फूल देगी, कुछ नहीं कह सकते, अभी फूल भी नहीं हो रहा फल भी नहीं हो रहा है, बस बेल बढ़ते जा रही है। ये देख सकते हो बेल बढ़ते जा रही है, ये देखो। पूछा जा रहा था कि आप ये जो किचन गार्डन में कौन सी खाद का उपयोग करते हो, तो मैं बता दूं मेरे पास अभी कोई भी खाद है नहीं है और ना ही मैंने इसमें ऐड किया है, बस मैं जो भी है तो मैं बता देती हूँ। जैसे गोबर की खाद हुई, तो फ्रेंड्स ये हमारा हो रहा है शाम का खाना, बैगन भरमा बैगन की सब्जी है। और यहाँ पर है रोटियों को मैंने फ्राई कर ली थी सुबह, जो रोटी सेकी हुई थी मैंने भरमा बैगन के साथ, पूरी खाने का मन कर रहा था तो मैंने रोटी फ्राई कर ली थी, साथ में ही पापड़ फ्राई किए हैं। ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, खाद का मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। आज यानी भूल भी गई और क्लिप वीडियो भी नहीं बना।